अगर आप जॉब करते हैं तो आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए ईपीएफ आपका साथी बनता है। सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ फंड में जमा होता है और जरूरत पड़ने पर इस ईपीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। सामान्य स्थिति में इन पैसों को रिटायरमेंट के बाद आप निकालते हैं। ऐसे में आपका फ्यूचर तो सिक्योर हो गया, पर क्या आपने सोचा है कि अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो आप पर डिपेंडेंट फैमिली का क्या होगा? आपके परिवार के लिए भी पीएफ एक बड़े सहारे की तरह काम कर सकता है। इसके लिए क्या आपने ई नॉमिनेशन फाइल किया है? अगर नहीं तो इसे जल्द पूरा कर दीजिए, क्योंकि ये आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और ईपीएफओ ने अब अकाउंट होल्डर और उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन, बीमा समेत अन्य तरह की सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए ई नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है। चलिए आज काम की खबर में जानते हैं कि घर बैठे आप कैसे ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। नौकरी पेशा शख्स के परिवार को आसानी से पीएफ का क्लेम मिल सके, इसके लिए ईपीएफओ सोशल मीडिया पर लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाती रहती है। ईपीएफओ ने ट्वीट कर बताया कि ई नामांकन फाइल करना क्यों जरूरी है। नॉमिनी नहीं ऐड करने पर परेशानी उठानी पड़ सकती है, तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं जिसके जरिए आप घर बैठे ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। अब सर्विस टैब में जाएं और फॉर एम्प्लॉयज ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें। फिर आपको यूएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा। मैनेज सेक्शन में जाएं और लिंक ई नॉमिनेशन पर क्लिक करें। अब नॉमिनी का नाम, फोटो और बाकी जानकारियां सबमिट करें। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करें। परिवार की जानकारियां सेव करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। एक से अधिक नॉमिनी ऐड करने के लिए ऐड न्यू बटन पर क्लिक करें। नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक करें और सभी नॉमिनी का शेयर तय करें। इसके बाद सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करें। अब ओटीपी जनरेट करने के लिए ई साइन पर क्लिक करें। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, उसे सबमिट कर दे। तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो कर बड़ी ही आसानी से अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। नॉमिनी ऐड नहीं करने पर पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे मामले में पीएफ अकाउंट होल्डर सिर्फ मेडिकल जरूरतों और COVID-19 एडवांस के लिए ही पैसा निकाल सकते हैं। दूसरे किसी भी काम के लिए अकाउंट होल्डर्स पीएफ खाते से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। वही ईपीएफओ यह भी सुविधा देती है कि आप जितना चाहे और जितनी बार चाहे नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं। हालांकि ई नॉमिनेशन की फिलहाल लास्ट डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन समय पर अपडेट रहना आपको लास्ट मोमेंट की उलझनों से बचा सकता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।